नमस्कार दोस्तों, यूथ ग्रोथ चैनल में आज आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हम यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट और यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के बारे में हम बात कर रहे थे। इसी संबंधित हम आज कुछ छोटे क्वेश्चन करेंगे और कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में भी जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन बन जाता है मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी विषय निर्माण की विधियां। सबसे पहले किसने स्टार्ट की थी, यानी विषय निर्माण की विधि का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? ये दोस्तों डॉक्टर रंगनाथन ने किया था, एस आर रंगनाथन। और इसी में से नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है विषय निर्माण की जो डॉक्टर रंगनाथन ने विधि बताई थी, तो सर्वप्रथम इन्होंने कितनी विधियां दी थी, यानी कितनी विधियों का निर्माण किया था? ये दोस्तों इसने स्टार्टिंग में 4 विधियों का निर्माण किया था, जो कि 1950 में किया था। वो 4 विधियां हैं दोस्तों, लूज असेंबल जिसके बारे में हमने जिक्र कर लिया था, लेमिनेशन वो भी हमने कर लिया था, लेमिनेशन मतलब पटलीकरण परतबंदी, और एक है डेंडुएशन यानी अनाच्छादन, ये भी हमने कर लिया था डेंडुएशन, ठीक है। और एक है डाइसेक्शन जिसको हम विच्छेदन बोलते हैं, डाइसेक्शन, ये तो 1950 में दिया था। और 1960 में 2 विधियां और आ गई थी, वही 2 विधियां डॉक्टर रंगनाथन ने ही दी थी, जिसको हम बोलते हैं आसवन विधि और विलियन विधि, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फ्यूजन। और आसवन को बोलेंगे डिस्टिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन जाता है विषय निर्माण की कितनी विधियां। ये दोस्तों 7 विधियां हैं, हमने इनका जिक्र पीछे वाली क्लास के अंदर कर लिया है, अगर आपने वो नहीं देखी तो एक बार देख लें। और इसी विषय निर्माण पर एक क्वेश्चन और बन जाता है विषय निर्माण की विधियों का पुनर्गठन किया था 1973 के अंदर, यानी 1973 के अंदर, ये किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए नील मेगन ने किया था, ए नील मेगन ने। क्वेश्चन एक बार फिर बता देता हूं, विषय निर्माण की विधियों का यानी ये साइंटिफिक आधार पे ये इनका पुनर्गठन किया था, जो कि 1973 के अंदर किया था ए नील मेगलन ने। साइंटिफिक का जिक्र किया तो इस पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड का प्रतिपादन किसने किया था? मैं नाम लिख देता हूं, स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड, इसका प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों डॉक्टर रंगनाथन ने ही किया था इसका भी, एस आर रंगनाथन ने। स्पाइरल के अंदर ये नहीं आएगा, स्पाइरल SPIRL स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड, ठीक है। जो मैंने आपको ये लेमिनेशन बताया जिसका प्रतिपादन डॉक्टर रंगनाथन ने किया था, लेमिनेशन जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परतबंदी पटलीकरण, ये लेमिनेशन किस शब्द से निकला है और कौन सी भाषा से निकला दोस्तों? ये मैंने आपको पीछे वाली वीडियो के अंदर बता दिया था, एक बार फिर बता देता हूँ, लैटिन भाषा के लेमिनी शब्द से निकला है। किससे निकला है? लेमिनी शब्द से, लैटिन भाषा के। मैंने आपको एक विलियन विधि बताई थी जिसका 1960 में प्रतिपादन हुआ था और 1973 में ए नील मेगलन ने उसका पुनर्गठन किया था साइंटिफिक आधार पे, जो ये इसको इंग्लिश में बोलते फ्यूजन। जो ये फ्यूजन है इसका क्या अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है इसका? इसका अर्थ दोस्तों संपूर्ण। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन दबा दीजिए।
अब मैं आपको एक परिभाषा बताता हूँ, वो आपको बताना कि कौन से विषय के अंतर्गत आती है। इस विश्व निर्माण विधि में कोई मुख्य वर्ग यानी मेन क्लास अपने उप वर्गों में विभक्त हो जाती है, उस विधि का नाम बताइए। एक बार फिर क्वेश्चन बता देता हूँ। उस विश्व निर्माण विधि में कोई मुख्य वर्ग अपने उप वर्गों में विभक्त हो जाता है या खंडित हो जाता है या विघटित हो जाता है। एक परिभाषा और है उसी की है जिस विधि का मैं अभी जिक्र करूंगा। एक वर्ग के अंतर्गत एक विषय को दो या अधिक विषयों में विभक्त करना कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? ये दोस्तों विखंडन विधि यानी फिशन विधि के अंतर्गत आता है। एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है। विखंडन विधि, थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं, विखंडन विधि। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो प्राकृतिक विज्ञान है, उसी के अंदर गणित निकलता है, भौतिक निकलता है, जीव विज्ञान निकलता है। जैसे हम बात करें ऊष्मा होगी, जैसे भौतिकी ऊष्मा होगी, उसी में से प्रकाश निकलता है, उसी में से ध्वनि निकलता है। इस प्रकार ये विघटित होता जाता है। इस प्रकार ये वो कोई विषय आता है तो वो विखंडन या फिशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बन जाता है जो मैंने आपको लेमिनेशन बताया था यानी पटलीकरण। इसकी कितनी विधियां हैं? इसकी दोस्तों दो विधियां हैं, लेमिनेशन 1 और 2। इसके अगर उदाहरण की बात करें तो पंजाब में धान की खेती या फिर आप लगा लो पंजाब में वीट की खेती। इसके अंदर क्या होता है, एक विषय के ऊपर दूसरा विषय रख दिया जाता है, इससे यानी लेमिनेशन की तरह ये परत चढ़ती जाती है। अभी इसी के अंदर दो पार्ट डिवाइड किए थे, जैसे मैंने आपको पहला उदाहरण बताया था पंजाब के अंदर गेहूं की खेती, और ये पार्ट फर्स्ट का था। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है लेमिनेशन का, उसका भी एक उदाहरण बता देता हूँ। रूरल वुमेन एंड चिल्ड्रन। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक ही पक्ष के दो, जैसे रूरल हो गया, रूरल के अंदर एक वुमेन हो गया और एक चिल्ड्रन हो गया, इसी के अंदर ये है दोनों, ये इन दोनों को ऊपर रख करके नया विषय बना था, इसलिए हमारा ये काइंड सेकंड हो गया, लेमिनेशन काइंड सेकंड है। तो ये लेमिनेशन के पार्ट, लेकिन इसको डिवाइड किया, एग्जाम में नहीं पूछते, बट ये पूछा जा सकता है रूरल वुमेन एंड चिल्ड्रन कौन सी विषय विधि के अंतर्गत आता है। ये दोस्तों लेमिनेशन के अंदर आता है, और ये हमारा पहले वाला था। इसकी बात करें तो इसके अंदर क्या हो गया, मुख्य विषय कृषि, धान, कृषि के साथ धान मुख्य विषय हो गया, और इसके साथ एक पक्ष के साथ दूसरा पक्ष रख दिया जाता है। जैसे हमने पंजाब का जिक्र किया, या अगर इसकी जगह उत्तर प्रदेश होता तो इसके पक्ष साथ में ये आपस में बन करके बढ़ चढ़ जाती है, और इससे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट का निर्माण होता है यानी मिश्रित विषय का निर्माण होता है। इससे जो मिश्रित विषय का निर्माण हुआ उसको हम लेमिनेशन विधि बोलेंगे। जो हमने यहाँ पर फ्यूजन विधि का जिक्र किया था यानी विलयन विधि का, इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके दोस्तों दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट और सेकेंडरी बेसिक सब्जेक्ट। सेकेंडरी बेसिक सब्जेक्ट, एक बार फिर, फ्यूजन यानी विलयन विधि के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट, सेकेंडरी बेसिक सब्जेक्ट। अब मैं आपको एक नॉलेज के लिए एक क्वेश्चन देता हूं, अगर आपको ये समझ में विधियां आ गई तो आप उसका आंसर दे सकते हो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप उसका आंसर नहीं दे सकते, कमेंट में आपको उसका आंसर देना है। एग्रीकल्चर ऑफ वीट, एग्री
कल्चर ऑफ वीट, आपको ये बताना है कि कौन सी विधि के अंतर्गत आता है। मैं आपको ऑप्शन देता हूं, फ्यूजन, लेमिनेशन, फिशन, लूज असेंबल। चार ऑप्शन आपको, फ्यूजन, लेमिनेशन, फिशन, लूज असेंबल। जो ये विखंडन है यानी फिशन है, फिशन के भी दो पार्ट हैं, यानी दो भागों में इसको डिवाइड किया गया, जिसको हम बोलते हैं डाइसेक्शन और डेंडुएक्शन, जिसको हम विच्छेदन बोलते हैं और अनासाधन बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ विच्छेदन, विच्छेदन जिसको हम बोलते हैं डाइसेक्शन, डाइसेक्शन, और दूसरा है अनासाधन, अनासाधन जिसको हम बोलेंगे डेंडुएशन। एक नया किस्म बन जाता है हमारा, जो एनील मेगलन है, जो 1973 के अंदर पुनर्गठन किया था, जो मैंने आपको बताया था, वो कहाँ से किया था और ये कहाँ पर काम करते थे उस समय? ये दोस्तों उस समय DRTC में काम करते थे, DRTC, इसकी फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, डॉक्यूमेंट रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर में काम करते थे, जो कि बेंगलोर के अंदर है, यहाँ पर काम करते थे। और यहाँ से इन्होंने इस जो मैंने विषय बताया था वहाँ पर इनको पुनर्गठन किया था या अप टू डेट किया था, अप टू डेट। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट पर। डॉक्टर रंगनाथन ने, ऐसा रंगनाथन ने विश्व को कितने प्रकार का माना है? दोस्तों तीन प्रकार का माना है, बेसिक, कंपाउंड, बेसिक सब्जेक्ट, कंपाउंड सब्जेक्ट और कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। डॉक्टर रंगनाथन ने ये इन्हीं सब्जेक्ट को माना है, बेसिक, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। जो मैं आपको बता रहा था वो सब्जेक्ट की विधियां थी, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की विधियों को डॉक्टर रंगनाथन ने स्टार्टिंग में चार विधियां दी थी। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, मैं बताना भूल गया था उस टाइम। जो रिसर्च यानी शोध कार्य होते हैं वो कौन सी विश्व निर्माण की विधि में आते हैं? शोध कार्य, इंग्लिश में बोलेंगे इसको रिसर्च, कौन सी विधि के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों ये आसवन विधि के अंदर आते हैं, आसवन विधि, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डिस्टिलेशन। इस आसवन विधि के अंदर क्या होता है आपको सिंपल भाषा में बताऊंगा, पहले थोड़ी सी इसकी दूसरी भाषा में बता देता हूं, जो थोड़ी सी कठिन है लेकिन समझना जरूरी है, दोनों में से कोई आपको एक समझ में आ सकती है, पहले वाली ना आए तो सेकंड वाली जरूर आ जाएगी। जैसे मूल विषय हो गए यानी मुख्य विषय हो गए, उनके हम विभिन्न भागों में बांटते रहते हैं, यानी उनकी संरचना यानी उन पर काम करते रहते हैं, उनकी गहनता बढ़ जाती है। जो हम जैसे पहले विषय हो गया हमारा विज्ञान, विज्ञान से हमारा जंतु विज्ञान हो गया, कृषि विज्ञान हो गया, इस प्रकार ये चलते रहते हैं। जैसे विज्ञान की तो बहुत सारी शाखाएं हो गई, विज्ञान से ये फंड करके कृषि विज्ञान बना यानी एग्रीकल्चर साइंस बना, इसी में इसकी इससे ज़्यादा इसकी गहनता बढ़ गई, इसमें विस्तार कम हो गया गहनता ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए ये चलता रहता है। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो हम इसको हम बोल सकते हैं छलनी, आपने नाम सुना भी होगा। छलनी से मतलब हमारी कोई मुख्य विषय वो छण करके वो नीचे आता रहता है। जैसे कोई आपने चाय छानते हो तो चाय में बहुत सारे पदार्थ होते हैं, उसके अंदर फिर आपको चाय छानने के बाद छलने से चाय मिल जाती है, उसी प्रकार ये जिसका हमें शोध कर रहे हैं वो विषय मिलता रहता है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है रिसर्च
कौन सी विधि के अंतर्गत आता है, आपको ये बोलना नहीं है। आसवन विधि के अंतर्गत आता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्लेशन। और इस आसवन के विधि के दो भाग होते हैं जिसको हम डिस्टिलेशन फर्स्ट और डिस्टिलेशन सेकंड बोलते हैं। लगभग ये दो ही होते हैं, जैसे मैंने कई विधियों को बताया दो होते हैं, लूज असेंबल के तीन होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। और इसी के अंदर मैनेजमेंट आ जाता है, अगर प्रबंध की बात हो तो, यानी मैनेजमेंट की बात हो तो आसवन विधि के अंतर्गत ही आएगा। अगर क्वेश्चन इस प्रकार बन जाता है, प्रबंध किस विषय निर्माण विधि का एग्जाम्पल है या उदाहरण है, तो दोस्तों आसवन विधि या डिस्टिलेशन विधि का ही एग्जाम्पल होगा। एक क्वेश्चन इस पर बन सकता है, मैंने आपको समूहन विधि कराई हुई, समूहन विधि कराई है जिसको हम बोलते हैं इसमें क्लस्टर, क्लस्टर का पुराना नाम क्या है, इसको किस विधि से जाना जाता था, इसको दोस्तों सब्जेक्ट बंडल नाम से जाना जाता था, सब्जेक्ट बंडल यानी विषय बंडल नाम से इसको जाना जाता था। इसके अंदर क्या होता है, कोई विषय जो भी हम सर्च कर रहे हैं या रिसर्च कर रहे हैं या हम नया विषय बना रहे हैं तो उसका समूह हो जाता है। जैसे भारतीय अध्ययन, भारतीय का अध्ययन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडोलॉजी। एशिया का हम अध्ययन करते हैं तो उसको भी हम इसी में ही लेंगे। जैसे स्पेस साइंस हो गया, स्पेस का अध्ययन करते हैं। अर्थ साइंस हो गया, अर्थ का हम अध्ययन करते हैं तो वो हम उसको क्लस्टर विधि के अंतर्गत रखेंगे। एक विधि थी हमारी संचयन विधि, ये मैं आपको करवा चुका हूँ, जिसको हम बोलते हैं एग्लोमेरेशन, नाम लिख देता हूं मैं, करवा चुका हूं फिर भी, एग्लोमेरेशन RATION, ठीक है, एग्लोमेरेशन। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, इसको दोस्तों पार्टिकल कंप्रीहेंशन नाम से जाना जाता था। मैं नाम लिख देता हूं पार्टिकल कंप्रीहेंशन, कंप्रीहेंशन इसको हिंदी में बोलेंगे अर्ध, ऐसे नहीं आएगा, अर्ध व्यापकता, अर्ध व्यापकता बोलते हैं इसको। और जो ये अर्ध व्यापकता या पार्टिकल कंप्रीहेंशन है, ये नाम दोस्तों डॉक्टर रंगनाथन ने दिया था, एसआर रंगनाथन ने दिया था। जो ये संचयन है या एग्लोमेरेशन है, इसको हम सहमिश्रण भी बोलते हैं, सहमिश्रण विधि। मैं आपको सातवां विधि भी बताऊंगा, एक बार मैं बता चुका हूं, फिर मैं आपको एक बार रिपीट के लिए बता दूंगा सातवां विधि कौन कौन सी, वो भी बता दूंगा। इस संचयन विधि के अंतर्गत, इस संचयन विधि के अंदर कई मुख्य विषय आपस मिलकर बड़ा विषय बना लेते हैं। जैसे हम बात करें सोशल साइंस की, नेचुरल साइंस की, ये हम कर चुके हैं, इस पर ज्यादा नहीं करेंगे। शायद ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड का प्रतिपादन किसने किया था, डॉक्टर रंगनाथन ने किया था, किसने किया था, डॉक्टर रंगनाथन ने। वैज्ञानिक पद्धति जो चक्रीय विधि बोलते हैं, स्पाइरल मतलब चक्रीय, चक्रीय मेथड का प्रतिपादन किसने किया था, डॉक्टर रंगनाथन ने किया था। चक्रीय विधि है, चक्रीय विधि यानी स्पाइरल मेथड, इसको कितने भागों में हम विभक्त कर सकते हैं, इसको दोस्तों चार भागों में विभक्त कर सकते हैं। कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं, चार भागों में। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब से हम जो भी नई वीडियो लेकर आएंगे तब आपको वो नोटिफिकेशन से आपको मिल जाएगी। अगर आपको दोस्तों वेबसाइट पर जाना हो तो हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं बता देता हूँ youthgrowth.in, गूगल पर सर्च कर सकते हो। और मैं इस पर एक बुक भी लिख रहा हूँ, वो आपको थोड़े टाइम बाद मिल जाएगी, अभी उस पर काम चल रहा है क्योंकि उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है। धन्यवाद दोस्तों।